अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू क्लास क्लास 4। होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। नाउ आई एम टीचिंग यू साइंस यूनिट 1 इन विच वी स्टडी अबाउट आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। सो काइंडली ओपन द बुक यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1। Now read the title of this chapter, understanding our body, हमारी अपनी body को समझना। Means इस chapter में जो कुछ हम पढ़ेंगे वो अपनी body के बारे में पढ़ेंगे। Now come to the first line of your book, page number 1। Your body is like a wonderful machine, आपकी body एक हैरत अंगेज मशीन है, हैरत अंगेज पुर्जा है। वंडरफुल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पढ़ के आपको बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर, कम टू द पेज नंबर 2। नाउ रीड द टाइटल, योर बॉडी, आपकी बॉडी। लुक वेरी केयरफुली टू योर बुक एंड शो कंसंट्रेशन आल्सो। इन मैनी वेज योर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन, ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज अ स्पेशल जॉब टू डू। इन्होंने वही बात रिपीट की है फर्स्ट पेज वाली कि आपकी बॉडी एक वर्क किस तरीके से करती है, वंडरफुल मशीन की तरह। ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, हर पार्ट आपकी बॉडी का जो है वो डिफरेंट होता है और स्पेशल जॉब, हर पार्ट का एक अलग जॉब होती है। जॉब मीन्स वर्किंग होती है, हर एक का अलग काम होता है, ठीक है। स्पेशल जॉब खास काम होता है हर पार्ट का। द बोन्स एंड मसल्स वर्क टूगेदर टू मेक यू मूव। जो बोन्स, बोन माने हड्डियाँ, मसल्स माने आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी में, अज़लात, वर्क टुगेदर टू मेक योर मूव। सब मिलके एक साथ काम करके आपको क्या करते हैं, आपको मूव करते हैं। क्या चीज़? हड्डियाँ और मसल, ठीक है, एक साथ वर्क करेंगे तो आप मूव कर सकते हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड राउंड द बॉडी, हार्ट का क्या काम है, आपको ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। द लंग्स टेक इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स जो है वो आपके एनवायरनमेंट में एक गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे टेक इन करके फिर उसकी वजह से आप ब्रेथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो आपका ब्रेन है। ब्रेन माने दिमाग, जो कि आपके कंट्रोल करता है दूसरे पार्ट्स को बॉडी के। तमाम बॉडी के पार्ट्स एक जगह से कंट्रोल होते हैं, ब्रेन क्या कहा जाता है, ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल पावर। सही है, कंट्रोल पावर क्या होता है, यानी कि तमाम चीज़ें किसके, एक चीज़ के कंट्रोल में है, वो है आपका ब्रेन। मशीन नीड्स फ्यूल्स टू मेक दैम वर्क। मशीन कैसे काम करती है, उन्हें फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। द फ्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फूड, मगर ह्यूमन बॉडी भी आपको कहा गया एक मशीन है, तो उसका फ्यूल क्या है, फूड, यानी जो कुछ हम खाते हैं। यू नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। प्रॉपर्ली क्यों, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, किस, जब आप फूड लेंगे, जब आप जो है प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा लेंगे, आपकी एक एनर्जी उससे बनेगी जिससे आप इजीली मूव कर सकेंगे, अपनी तमाम वर्किंग कर सकें। उसकी वजह क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑल लिविंग थिंग है दूसरी, सिर्फ हम तो नहीं है ना, ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, दूसरे भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हीं की तरह हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, जिसे कहते हैं सेल। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में लाखों की तादाद में सेल हैं। द स्किन, हमारी स्किन,
हमारी ब्लड, हमारा खून, हमारे मसल्स, हमारा गोश्त एंड मोस्ट अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स. सब कुछ ज़्यादातर सेल से बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडी का इंट्रोडक्शन दिया गया कि आपकी बॉडी क्या है, किस तरीके से काम करती है. अब आपको एक एक पार्ट के बारे में हम आपकी बॉडी के पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. जैसे फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बोन्स, हड्डियाँ. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी. आपके जिस्म में 206 हड्डियाँ मौजूद हैं. दे आर जॉइंट टुगेदर टू मेक अप द स्केलेटन. ये सब आपस में मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज ह्यूमन स्केलेटन. व्हाट इज दिस? दिस इज ह्यूमन स्केलेटन. ये इंसानी ढांचा है. हमारी तमाम जो हम लोग हैं उनकी बॉडी ऊपर से हम सबकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट कलर होता है, मगर हम सबकी बॉडी इस तरीके से अंदर से, इसे कहा जाता है एक तरह से स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, स्केलेटन है. इसके ऊपर जो है वो हमारे मसल्स होते हैं और दूसरी चीज़ होती है. तो ये स्केलेटन का क्या काम है? एक चीज़ को शेप देता है. जैसे आपने जेली फिश देखी होगी, स्टार फिश देखी होगी, उनका कोई ख़ास एक शेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है जेली फिश का. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक स्केलेटन नहीं है. तो एक स्केलेटन हमारी बॉडी का है, इसकी वजह से एक इसका ख़ास शेप है, एक ख़ास शक्ल है. सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन. कुछ हड्डियाँ हमारे अंदर के जो आज़ा हैं उनको कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये जो स्कल है आपका, ये जो सर का हिस्सा है जिसे स्कल कहा जाता है ऊपर का, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को, जो कि बहुत अंदर से सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा स्कल. द रिब्स मेक अ रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स. ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड रिब्स. ये क्या है? पसलियाँ. सही है, और इसे हम पूरे को कहेंगे रिब केज. तो इस रिब केज के अंदर क्या चीज़ होती है हमारी बॉडी में? हार्ट होता है हमारा. ठीक है, अगर हमें कहीं से चोट लगती है, हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, तो डायरेक्ट हमारे हार्ट को नहीं पहुंचती. हमारा हार्ट बहुत इनर साइड पे होता है, लंग्स हमारा बहुत इनर साइड पे होता है. तो उसे हमें जो है वो कोई इतना ज़्यादा, जब हम कहीं से हर्ट होते हैं तो उसे इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, उसे हार्म नहीं पहुँचता, नुकसान नहीं पहुँचता है, बिकॉज ऑफ रिब केज. और ब्रेन किस वजह से बचा रहता है? स्कल की वजह से. ठीक है, नाउ कम टू द मसल्स. यानी कि आप, मसल्स का मतलब है गोश्त, मगर हर तरीके के मसल्स हमारी बॉडी में, अलग अलग तरीके के मसल्स पाए जाते हैं. फर्स्ट लाइन में ही मेंशन किया हुआ है, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी. 600 मसल्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं. सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव. कुछ आपके मसल्स मूव करने में मदद करते हैं. अदर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. कुछ खाने में मदद करते हैं. कीप्स द ब्लड फ्लोइंग. कुछ जो है वो ब्लड को फ्लो करने में मदद देते हैं. एंड लंग्स वर्किंग. और कुछ लंग्स जो है वो वर्किंग करते हैं. मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू. मसल्स किस चीज़ से बने होते हैं? इलास्टिक टिश्यू से. मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट. मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब सिकुड़ सकते हैं. Which means that they become shorter. इसका मतलब है वो छोटे हो सकते हैं. This cause movement. इसकी वजह से ही movement होती है. जब muscles सुकड़ते हैं, फैलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है? Muscle जो है movement होती है. मुसलसल आप जो है वो move करते रहते हैं. किसकी वजह से? कि आपके muscles work करते रहते हैं. Lungs. As you breath, जैसे आप सांस लेते हैं, योर चेस्ट मूव इन एंड आउट. आपका जो चेस्ट है वो बाहर और अंदर की तरफ मूव करता है. आपने देखा होगा अक्सर कि आपकी बॉडी मूव कर रही होती है अंदर और बाहर की तरफ. इनसाइड द चेस्ट, आपके चेस्ट के इनसाइड में दो स्पंज लाइक के ऑर्गन होते हैं. कहाँ पे? हार्ट के पास.
सही है, दे आर कॉल्ड लंग्स, वो क्या कहलाते हैं, लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े। कहाँ होते हैं, जब आप सांस लेते हैं आपकी बॉडी, आपका जो चेस्ट है वो अंदर बाहर होता है, आपको दिखता भी है बाज़त अगर आप गौर से उसे नोटिस करें तो। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, और ये सांस लेने का अमल कहाँ पे जो है वो होता है, वो लंग्स में होता है, लंग्स यानी फेफड़े में। द लंग्स टेक इन अ गैस, लंग्स जो है वो गैस अंदर लेते हैं जो कि कहलाती है ऑक्सीजन, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में शामिल हो जाती है। व्हेन यू ब्रेथ इन, जब आप सांस लेते हैं, योर लंग्स फिल विद एयर, आपके लंग्स हवा से भर जाते हैं और बिकम लार्जर, और बड़े हो जाते हैं। योर ब्रेथ आउट, व्हेन यू ब्रेथ आउट, यानी जब आप सांस बाहर निकालते हैं, एक सांस लेना और सांस बाहर निकालना दोनों प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम सांस हमारा जो है वो कहेंगे कि कंप्लीट हुआ। सांस अंदर लेना, बाहर जाना, ये दोनों एक ही प्रोसेस है, यानी कि इन दोनों की वजह से एक सांस लेने का अमल कंप्लीट होगा। तो जब आपकी सांस बाहर आती है, योर लंग्स बिकम स्मॉलर, आपके लंग्स स्मॉल हो जाते हैं, एज एयर इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ देम। कैसे एक्सक्रीटेड आउट कैसे हो जाती है आपकी, उसमें से लंग्स से हवा निकल जाती है। यहाँ पे हम अपने आज की वीडियो को स्टॉप करेंगे। मैंने आज आपको पढ़ाया आपकी बॉडी के बारे में कि बॉडी जनरली किस तरह से होती है, आपको बोन्स के बारे में समझाया कि बोन्स हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, मसल्स के बारे में समझाया, लंग्स मैंने आपको बताया कि ये लंग्स होते हैं फेफड़े हमारे, और ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं, एक लेफ्ट साइड पर होता है और एक राइट साइड पर होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं आपको आगे वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, हार्ट और टीथ और जो भी इसके आगे है, क्योंकि चैप्टर हमारा काफ़ी लेंथी है, इसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। और लेसन कंप्लीट होने के बाद इस लेसन की वर्किंग आपको स्कूल के ज़रिए मिलेगी और कुछ दिनों बाद मिलेगी, तो उसके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू SMS या थ्रू व्हाट्सअप, ताकि आप आके स्कूल से उसे रिसीव कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।